आज पोनू स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में आप चीफ गेस्ट भी है, तो क्या आपने ऐसे जज किया पोनू के जो युवाओं को देखकर, क्या ऐसा लगता है कि पोनू से अभी पहले से ज्यादा अभी स्टूडेंट जो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, या क्या ऐसे आपने मत किया, क्या कहने? वो तो सही है, पहले तो 1980 तक तो पोनू में स्कूल ही नहीं था, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल नहीं था, 80 के बाद में ही स्कूल निकला है, फैला है हर गांव में, ये पंचायत सर्कल या वक्का सर्कल जो भी वांचोनू में ऐसे हो, तो अभी तो बहुत चेंज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द स्टूडेंट्स। ये लोंगोम कोन्यू स्टूडेंट यूनियन आज जो मैं चीफ गेस्ट बना है, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ अचीवमेंट। पहले क्योंकि पहले इतना सक्सेसफुली इतना कंडक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन आज बहुत सक्सेसफुली ये कंडक्ट कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है, सिर्फ यूनियन का नाम नहीं बोल के, सिर्फ गांव वालों को सिखाने का सिर्फ नहीं बोल के, लोग काउंसलिंग भी, कैरियर काउंसलिंग भी रखा है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स व्हिच वी ऑल हैव टू अप्रिशिएट वेरी हाईली विद हार्ट एंड सोल, ये बहुत अच्छा बात है। तो चेंज तो हम देखा देखी है, मैं तो इस इलाका का आई एम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर फ्रॉम दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल सो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन दिस कोन्यू विलेज, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड। तो मैं यहाँ में चीफ गेस्ट के लिए या कैंडिडेट का
होने के नाते या चीफ गेस्ट के लिए या कुछ कुछ फंक्शन में यहाँ आते रहता है। तो आई हैव सीन दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हो या ये स्टूडेंट यूनियन में हो या स्टूडेंट एक्टिविटीज में हो, उनका करियर में बहुत चेंजेस दिखाई दे रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट दे विल ट्राई देयर बेस्ट फॉर मोर चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोशल इवेंट्स फॉर मोर ब्राइट करियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर मोर मोर सैनिटेशन इन द विलेज एंड इन ऑल एस्पेक्ट। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या कोनू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कुछ चार पांच पॉइंट आपको प्रपोजल जो दिया है, हाँ, अभी इलेक्शन भी सामने आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? ये जो मेमोरेंडम दिया है दैट इज वेरी कॉमन, ये गांव का ग्रीवेंसेस है, दे आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लोंगम कोनू विलेज। सो इफ पॉसिबल, इफ समथिंग मे बी पॉसिबल बिफोर इलेक्शन, लेकिन अभी इलेक्शन होने से आगे सिर्फ ओनली टू एंड हाफ मंथ्स लेफ्ट। तो जो जो सकेगा वो हम दे देंगे, जो नहीं सकेगा इलेक्शन के बाद दे देंगे। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई हैव ए फीलिंग एंड सिंपैथी फॉर दिस विलेज एंड द स्टूडेंट। जो भी मांग है हम पूरा करेगा, बट नॉट एट दिस वेरी मोमेंट, ये एक दो महीना में नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तो डीईबी बजट एस्टिमेट भी चला गया है, प्लस अभी कोई जो कुछ फंड होता है, जो अनटैक्ड फंड होता है, जो कुछ कुछ जैसे सोर्स होता है वो तो ऑलमोस्ट ओवर है। फिर भी छोटा मोटा जो भी दे सकेगा हम दे देंगे, और उसके बाद में बाकी जितना है फुलफिल करेगा आपका इलेक्शन। सर, आप एक मिनिस्टर होने के नाते एक वांचो का बड़ा चेहरा भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे वांचोनियों के यूथ को? वांचोनियों का यूथ को यही कहना चाहूंगा, सिंस वी आर टेकिंग द लीडिंग रोल इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे स्टूडेंट एजुकेशन में हो, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे चेंज में हो, वी आर टेकिंग द लीडिंग पार्ट विद ऑल द लेजिस्लेटर एंड एक्स एंड प्रेजेंट लेजिस्लेटर ऑफ दिस वांचोनियों और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लाया गया है, जैसे कॉलेज लाया गया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय लाया गया है, दिस आर द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑफ अस विद द कोऑपरेशन एंड द सपोर्ट ऑफ द पीपल एज ए होल। तो वांचोनियों का स्टूडेंट जितना भी है, वही के यूथ को या स्टूडेंट को यही बोलने चाहेगा, तो पहले का जमाना जो नहीं है, ये जमाना है, दिस इज डिजिटल एज, दिस इज कंप्यूटर एज, दिस इज मोबाइल एज, दिस इज कम्प्लीटली चेंजिंग एज, दिस वाई दे हैव टू गो विद द चेंज एंड मोर चेंज हैज बीन ब्रॉट इन बाय द दोस यूथ एंड द स्टूडेंट ऑफ द वांचो एज ए होल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम हुआ सर आपका, पूरा बताइए पहले। मेरा नाम वांगनाई वंशा है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि आप यहाँ से सबसे पहला ग्रेजुएटेड ऑफिसर है। जी, मैं यहाँ इस बस्ती से फर्स्ट मैट्रिकुलेट हूँ और ग्रेजुएशन भी मैंने ही किया है 1994 में। अच्छा, फिलहाल आप कौन से पोस्ट में हैं? मैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, फिलहाल पोंगचाउ ब्लॉक में तैनात है। तो जब आप पढ़ाई शुरू किए थे स्कूल पे, उस वक्त क्या माहौल था लोगों का, क्या माँ बाप स्कूल में भेजते थे ना, आपने अपना मर्जी से स्कूल किया? जी, मैं उस समय में असमिस मीडियम स्कूल बंद होने का बाद 1979 में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था गांव में, तो उसी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग फर्स्ट ग्रुप था। उस समय में रास्ता नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ फैसिलिटीज काफ़ी कमी था। हम लोग का पिताजी लोग का समय में जो चुपाता था स्कूल में, जैसे कि पंचम में और न्यौसा में सिलेक्शन करके ले जाएगा, ऐसा मतलब स्टूडेंट्स के लिए बोलने से वो लोग को जंगल में ले जाके सोने देता था, और चेहरा जो है दिखाई नहीं देता था, मतलब चुपाता था माँ बाप ने। फिर मेरा बड़ा भाई लोग जो स्कूल में जाने का बात कहानी आया, तो उन लोग को स्कूल जाने से हम लोग खाना पीना नहीं देगा, खेती जाना है, माँ बाप को मतलब मदद करना है, इस तरह का माहौल था। तो हम लोग भी पेरेंट्स से इतना सपोर्ट नहीं मिला है, फिर भी अपना से इंटरेस्ट दे करके हम लोग जैसे तैसे मतलब पढ़ के आगे बढ़ा है। तो उस जमाने में आपने तो इतना तकलीफ करके पढ़ के अभी ग्रेजुएट किया, अभी अफसर है, तो अभी जो युवा है, जो नए पीढ़ी आने वालों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आने वाला पीढ़ियों के लिए हम लोग ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो है अभी हर चीज में कन्वीनियंट है, सुविधा है, और गवर्नमेंट से भी काफी मदद दे रहा है, और गवर्नमेंट से भी इतना मतलब सुविधा दे रहा है, तो उसका मौका उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए,
और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आजकल जो है कई तरह का जो रास्ता है उसको मालूम होते हुए मतलब चलना है, आगे बढ़ना है। सिर्फ मेयरली पढ़ने से नहीं होगा, अभी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दुनिया है, तो ऐसे जनरली पढ़ने से नॉर्मल एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। तो खास करके कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस तरह का अवेयरनेस हम गांव में भी कर रहा है और ब्लॉक में भी हर स्कूल में विजिट करके इस तरह का अवेयरनेस देता हूँ। हेलो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नगवंग वंशा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनय वंशा। तो आप ऐसा बताया जाता है कि आप सबसे पहला स्टूडेंट है कौनू का ना? जी। तो क्या उस वक्त कैसा पढ़ाई हुआ होगा, थोड़ा सा बताएंगे कहानी? ठीक है, हम बताएंगे। हम लोग ने पहले बात ये 1974 में मैं यहाँ से हम दोनों और तीन चार आदमी हम ये पंचायत में गया था आईवी स्कूल में। ये पहले यहाँ बिल्कुल ये स्कूल नहीं था, ये हमारा पंचायत सर्कल में कोई भी नहीं था, तो पंचायत में ही स्कूल खुला है। उसी बीच में एक एक बस्ती में से हमारा पंचायत और हकाम ब्लॉक में से चुन चुन करके ये बस्ती बस्ती वाइज तीन तीन चार चार लड़का लोग ये ढूंढना था। उसी में हम दोनों और अभी चिंगलेम और ये कंचन और लुंगो बन के एक्चुअली है वो मर गया, वो हम लोग ये बस्ती वाला माँ पिता को बनता है ये आप लोग का बच्चा लेगा लेगा हम लोग जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए बनता था। तो उसी समय में बिल्कुल कोई मना किया था तो हमारा बच्चा नहीं देगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब इन लोगों का जब पढ़ाई हुआ पहली बार तो पूरे वांचोनू में ऐसा होता था कि माँ पिताजी जो स्कूल नहीं भेजा करता था, डरता था स्कूल जाने स्कूल भेजने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ से पंचायत जाकर के इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। तो आगे की कहानी कठिन की तो हम लोग ये उसमें हम लोग ये जबरदस्त बस्ती वाला ने हमने हम ये राजा ने हमको सिलेक्ट करके हम लोग ये स्कूल में भेजा है। तो उसमें 1974 में हम ज्वाइन किया, उसके बाद में हम 75-80 में हम फिर लॉन्गडिंग में ज्वाइन किया। पाँच साल पंचायत में था, क्लास फाइव पास करके वो लॉन्गडिंग में ज्वाइन किया। तब तक कोई यहाँ कोई स्कूल नहीं थे? कोई स्कूल नहीं थे उसके पहले। तो कितना क्लास पढ़े थे आप? मैं क्लास 10 तक पढ़ा। और आप कितना पढ़े थे? क्लास 7 तक पढ़ा था मेरा। अभी दोनों क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो हम दोनों वैसे इन्होंने भी पब्लिक लीडर SMB मिला था इनको पहले में, फिर बाद में हमको भी SM एक बार हुआ 2008 में जब इलेक्शन हुआ था। आप भी एक पब्लिक लीडर? हाँ, आप भी एक ASM है? आप भी एक ASM ना? ASM फिलहाल में CBO में भी हूँ अभी। तो उस जमाने में जो माँ पिताजी जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था, नहीं भेजता डरता था ना हम लोग पूरे वांचोनू में वो। हाँ। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जो जो गार्जियन है जो माँ पिताजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम पहले तो ऐसे हम लोग ये दुख कष्टों से हम पढ़ाए था, तो अभी तो फ्री ये समय है, तो अभी तो जैसे ये कंटिन्यूस करके हम बच्चा बच्ची पूरा पढ़ना है स्कूल में भेजना है, बल्कि हम लोग ये समझा रहा है अभी तक ये बस्ती वाला को। ठीक है, आप दोनों सिर्फ ना यहाँ से? जी जी। कोई तो अभी एक्शन में भी है, कोई तो गुजर भी गया, फिलहाल में तो हम दोनों ही है अभी। थैंक यू। जी जी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ये हमारा राइजिंग डे का फैसिलिटेशन और काउंसलिंग का प्रोग्राम रख पाया, और वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वो हमें ग्रेस कर पाया आज का प्रोग्राम को, और उनके बिहाफ से भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने जो सजेशंस दिया, एडवाइस दिया, और हम लोग का रोल और ड्यूटीज जो हमें बताया उसको हम बिल्कुल लेकर के चलेंगे, और ये आशा करते हैं कि उनके साथ में उनके ब्लेसिंग से और साथ ही हमारे गांव बस्ती के बीच में जो हम पढ़ लिख करके जो सर ने आज बताया था उसी तरह से जो पैविक फिलोसॉफी है इसको हम बिल्कुल हम मेंटेन करेंगे। हम पढ़ लिख करके अपना प्राइवेट अगर जिंदगी जियेंगे तो गांव बस्ती को कौन बदलेगा, कौन देखेगा? जैसे कोई भी चेंज की डोंट लुक फॉर द चेंज बी द चेंज, नो, तो वो चेंज हम बनना चाहे बनने के लिए कोशिश करेंगे, और जितना भी हम कर सकते हैं
वो काम का बस्ती के हित में और लॉन्डिंग से बोल हम हमेशा काम करते रहेंगे। सर आज बहुत सारे फैसले कर रहे थे तो क्या क्या वो लेकर दे रहे थे? पुलिस स्टेशन को लेकर के जो फर्स्ट हमारा यहाँ से जो जो पहला पढ़ाई लिखाई करने वाला से लेकर फर्स्ट मेट्रिकुलेट से लेकर के फर्स्ट ग्रेजुएट और स्पोर्ट्समैनशिप से लेकर के हर एक क्षेत्र में जिन्होंने अव्वल नंबर पे काम किया है तो उनको हमने फेलिसिटेट किया।